स्वागत है फिर से आप सभी का आपका अपने चैनल पे। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से ब्लॉग बनाने का मन क्या किया, वो कहते हैं ना, होने को कोई टाल नहीं सकता है, कुछ ना कुछ कभी ना कभी होता ही है। तो आज का ब्लॉग कहाँ का है वो तो आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे। फिलहाल हम हैं बंगाल में। जी हाँ, नेपाल से ट्रिप ख़त्म करके हम आ गए थे बंगाल। अभी एक आध महीना वहीं यहाँ रहा हूँ। अब सोचा कई दिन से कि बैठा बैठा क्या करूँ, तो कुछ तो ब्लॉग बनाना चाहिए। तो एक ऐसे जगह पे, एक ऐसे वेल नोन जगह पे जा रहे हैं जिसका रास्ता मुझे पता नहीं है। एक्चुअली वो जगह नोन है नहीं या कह नहीं सकते तो अभी, लेकिन वहाँ जो जिस चीज़ से जिनसे वो जुड़ी है वो जगह, वो पूरा देश जानता है। इनफैक्ट ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये देश नहीं, कई देश जानते हैं इसको, उनको। तो उन्हीं के घर पे जाने का प्लान बनाया है। पता नहीं, कुछ ठीक से डिटेल नहीं मिल पा रहा था कि जाना कैसे है, क्या करना है। तो फिलहाल तो हम अभी है बंगाल दुर्गापुर में। यहाँ से दुर्गापुर से अभी रूम पे सुबह उठे, सोचे करना क्या है, छुट्टी था 2 दिन कॉलेज का, तो सोचे चलो ब्लॉग बनाते हैं, कहीं चलते हैं। बस क्या था, बैग पैक किया, एक छोटा सा बैग, निकल पड़े। अब दुर्गापुर में है, अब दुर्गापुर से एक बस पकड़ेंगे। अब लोकल है मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह, उसे पूछ के पहुंच जाएंगे वो। हाँ, जगह का नाम आपको पता ही, नीचे लिखा है, टाइटल में लिखा ही होगा, शांति निकेतन। ये शांति निकेतन क्या है, कहाँ है, क्यों इतना फेमस है, ये अगर जानना है आपको तो ब्लॉग में रहना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल हम पैदल यहाँ से निकलेंगे और देखते हैं पहुँच कहाँ, कब तक पहुँचते हैं वहाँ पे। डिफरेंट बसेस बदलनी पड़ेगी और पहुँचते हैं वहाँ तक। कभी कभी रास्ता ना जानना भी, कभी कभी क्या होता है कि हमें रास्ता नहीं पता होता है, पर मंजिल की पता होती है, तो निकल पड़ते हैं कहीं ना कहीं, कोई ना कोई रास्ता कहीं ना कहीं मिलाएगी। और ऐसे यही सोच के हम भी निकले थे। हमको पता नहीं है, बंगाल में मैक्सिमम हम कोलकाता या दुर्गापुर हैं और ये इंटायर बंगाल है। इंटायर बंगाल मीन्स एक्चुअल बंगाल। निकल पड़े, अब आए तो सफर में पता चलता कि ये पॉसिबिलिटीज़ थी, ये रास्ते थे, ऐसे ऐसे आ सकते थे। फर्स्ट टाइम तो आदमी खोल पता नहीं होता है, तो कैसे कैसे निकलते हैं। फिलहाल तो हम निकले हैं बोलपुर के लिए, अब और बोलपुर से फिर आगे बढ़ेंगे शांति निकल के लिए। देखते हैं। इसका हाल देख के समझ ही गए होंगे कितने मस्त आए हैं रास्ता से। खैर रास्ता ख़राब नहीं था, बट गर्मी ज़्यादा है इसलिए ऐसा हाल है। भोलपुर बस स्टैंड पहुँच चुके हैं शांति निकेतन का। यहाँ से अब ऑटो पकड़ेंगे और आगे की ओर जाएंगे। लास्ट बस यहाँ पे बता रहा है कि 5 बजे है, तो उससे पहले वहाँ से घूम के आना होगा। और अभी बस स्टैंड में ही है, यहाँ से टोटो पकड़ के शांति निकेतन जाना होगा। देखते हैं आगे बढ़ते हैं, तो साथ में आपको दिखाते हैं कैसे कैसे चलता है। बस में नहीं दिखाया क्योंकि बस का ऐसे ऐसा था कि दिखाने लायक नहीं था, मतलब ठीक ठाक नॉर्मल ऐसा ही बस जो है, ऐसा ही बस मिलेगा आपको यहाँ पे। और आगे का चल के हम दिखाएंगे आप लोगों को शांति निकेतन मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वहाँ पे जाके दिखाएंगे। एरिया बहुत बड़ा है, समझ में नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें, ख़त्म कहाँ से करें। पेड़ के नीचे रुक गए, एक भैया दिखे, उससे पूछते हैं कि कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं घूमना चाहिए। वही भैया अब हमको बताएंगे। ये गोले वाले भैया मिले आपको अभी, कैसे भैया? ठीक है, कैसा चल रहा है आपको? क्यों बाजार अभी खराब चल रहा है, गर्मी इतना पता फिर भी गर्मी हो गया है ना, इसलिए तो उल्टा बर्फ गिर गया क्या? ये तो गलत बात है। कहाँ का घूमने का जगह यहाँ पे बताइए। घूमने का शांति निकेतन कला भवन है, हिंदी भवन है, संगीत भवन है। अच्छा, अभी हम 4 बजे हमको निकल बस चाहिए होगा, तो उससे पहले कितना घूम सकते हैं हम? अभी आप 4 ही निकलेंगे। हाँ, हाथ है
सबसे बढ़िया सबसे नंबर वन चीज क्या है? घूमने घूमने में भी आज भी शनिवार जो होता है सोना जी हाट अच्छा सब्जी मिलता है। कहाँ पर? तो गुआई हाट। यहाँ पे कहाँ पे है? यहाँ से ठीक है भैया। थैंक यू। पीछे एक पार्ट चला आश्रम दिख रहा होगा, वो आश्रम रविंद्रनाथ टैगोर जी की वाइफ के नाम पे है और मिलान आश्रम, और यहाँ पे अभी छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का फिलॉसफी के बारे में पढ़ाया जाता है। अंदर जाने का परमिशन नहीं है, हम अंदर गए थे बात करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड से, पर नहीं जाने दिया, खुला रहता है। और आगे हम म्यूजियम की ओर चलेंगे और म्यूजियम रविंद्रनाथ टैगोर जी का देखेंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए कि टोटो और ई रिक्शा वाले क्या करते हैं कि मतलब बिठा के हम देख रहे हैं कि बताते हुए जा रहे हैं, मतलब एज अ टूरिस्ट गाइड वो घुमा रहे हैं और लोगों को बता भी रहे हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वो है। हालांकि अगर आपको पता नहीं है, हमको पता नहीं है कि क्या है, तो हम सर्च कर करके आपको बता दें कि ये ऐसा है ये। तो कुछ लोग थे जो जगह पर, हालांकि हमको नहीं पता है बट ये है क्या, या फिर हम फर्स्ट टाइम आए हैं ना तो पता नहीं है मेरे को। तो मैं हम पहले क्या करते हैं, कहीं पे रुक जाते हैं उसके पे बारे में बहुत चीज़ लिखा हुआ, देखिए एज अ टूरिस्ट गाइड ये सबको बता रहे हैं। तो ऐसे या तो आप ऑटो टीजे लेके टूरिस्ट के तो बता सकते हैं, या फिर खुद से रिसर्च कीजिए, पता कीजिए मेरे तरह और घूमिए। हम भी ऐसे ही घूम रहे हैं अननोन देश, पता नहीं कहाँ जाते हैं, मैप देखते हैं, गूगल मैप का सहारा लेते हैं, पढ़ते हैं, उस पर जाके फिर लोकल आदमी से पूछ लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल ये आश्रम अभी उस जो अंदर वाला था वो बंद हो चुका, छुट्टी हो गया था तो बंद था, तो नहीं दिखा पाए। और यहाँ पे हम पैदल घूम रहे हैं, लोग यहाँ पर टोटो वोटो लेके भी घूम रहे हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। हम जैसे जैसे पता चलेगा आपको हम बताएंगे। काफ़ी लंबा है और आज शाम में शायद यहाँ पे एक यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे कह रहा है कि एक मार्केट लगेगा जो काफ़ी फेमस होगा। लोग ब्लॉगिंग देख के आए सारा कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या सब है। अगर हम जा पाए वहाँ आश्रम पे तो जाएंगे, नहीं जा पाए तो कोई बात ही नहीं है। जमींदार ने बोले, जो रायपुर का जमींदार, उन्होंने बोले ये सब जगह हमारा है। बोले बंधु हमें 20 बीघा जगह दोगे? बोले क्या करोगे तुम ये 20 बीघा जगह लेकर? मैं यहाँ पर ब्रह्म समाज का एक सृष्टि करूंगा और शिक्षा का प्रतिष्ठा करूंगा। बोले उसी जगह उस वक्त कलकत्ता हाईकोर्ट में जाकर अंग्रेज को 5 रुपया टैक्स देकर, जिसको खजना कहते हैं, खजना देकर उन्होंने 16 आना मतलब 1 रुपया का विनिमय में उन्होंने खरीदे, कहाँ 20 बीघा जगह खरीदे, और खरीद करके 5 बीघा जगह जो छातीन तला है और 5 बीघा जगह ये छातीन तला, ये जो देख रहे हैं ना ये पत्ता है। का पहला ये आधार है, शिक्षा का एक जगह यही है, लगा देंगे। तो ऐसे ही वो गाइड करते हैं, बता देते कि मेरे को बोल रहे थे कि वो 100 रुपया दो और मैं पूरा एरिया घुमा दूंगा, सारा डिटेल्स में बताऊंगा। तो हम बोले कि क्यों ना खुद से जानकारी कलेक्ट करना ज़्यादा अच्छा होगा, लिहाजा मिला मिल जाए। तो उनको हम छोड़ दिए हैं, बट ऐसा ही कुछ है। वो बोल रहे थे कि अभी ये जो हम दिखाएं आगे ये कैंपस, इस कैंपस में मतलब पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी रहते थे बट अब वो बंद है, अभी सिर्फ स्टूडेंट के लिए खोला हुआ है और बाकी एरिया उधर है, मीन्स के म्यूजियम में हम देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ आम का मिल रहा है, देखते क्या मिल रहा है। गर्मी बहुत है, आम रस लिए हैं, ये आंटी दी है, 15 बोल रही थी 10 में दे दी है। थैंक्स आंटी। ठीक है देखते कैसा लगता। भालू, खूब भालू, बांग्ला में बोलते भालू। थोड़ा एनर्जी ले लेते, खाना नहीं खाया था सुबह से, फिर घूमेंगे। इतना तो समझ में आ गया कि सारा कैंपस बहुत बड़ा कैंपस है और हर पार्ट अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ था रविंद्रनाथ टैगोर का, और वो पूरा एरिया घूमने के लिए आप टोटो करके ही या फिर किसी लोकल से ही पता करने पे, तो
पता चलेगा कि कैसे है। फिलहाल घूमने के लिए परमिटेड एक जगह है जो अभी सिर्फ और सिर्फ म्यूजियम है, जिसमें हम अभी जाएंगे, अगर शूट कर पाए तो करेंगे। और उसके अलावा जानना होगा कि कौन सा एरिया क्या है, जैसे कि अभी वो बता रहा था वो जो मार्ट हार्ट लगता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी लगाते थे, या फिर ये सारी जगह कितना में एक जमींदार से खरीदा था, तो ये सब बातें यही लोग बता पाएंगे जो यहाँ के जानकार या लोकल। हम जितना जानते हैं, जितना पढ़ेंगे उतना ही बताएंगे, बाकी तो लोकल गाइड या टोटो टाइप का लोग जो है टोटो टोटो ई रिक्शा चलाते हैं। हटाओ हटाओ या ये कुछ बोलना चाह रहे? हाँ बोलो, तुम बोलो की बोलते, तुम्हें की बोलो किसी बोल बे कुछ बोल ना तुम्हें এটা জানকার আছে, এটা গাইড আছে, গাইড আছে না তুমি? হ্যাঁ কি বলো, কিছু কি বলবো, ওখানে কি আছে সেটা দেখাও আগে। এটা তো ऐसा है कि आप जब भी आइएगा तो सुबह आइएगा, नहीं तो शाम को आइएगा, क्योंकि 2 बजे 12 से 2 सब बंद कर देता है, दोपहर का टाइम है और 2 बजे के बाद ही खुलेगा। ये जो आप साइड में देख रहे हैं ना, ये म्यूजियम है, ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर जी का घर सब बंद है, क्लास व्लास चलाता है, बट ये म्यूजियम खुला हुआ है, उस म्यूजियम में ही उनका धरोहर रखा गया और वो 2 बजे करीब खुल जाता है और उसको देखने को घूमने को मिलेगा। तो अभी 2 बजा नहीं है, अभी 6 मिनट बाकी है, तो एक्चुअली हम ऐसे ही घूम रहे हैं इस साइड भी। मतलब ये पूरा एरिया उनका था, तो वो पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके हर चीज़ बनाया गया, मतलब हेरिटेज करके उसको रखा गया है। शांति निकेतन तो ब्लॉग बनाने आ गए थे हम, उठा के ये पीछे म्यूजियम है, बट ये शांति निकेतन इतना फेमस क्यों है, क्यों यहाँ पे लोग आ रहे हैं, क्यों इसको देख रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जानना जरूरी था या फिर बताना था मेरे को। मुझे लगा कि शांति निकेतन बताना काफ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि शांति निकेतन एक वर्ड काफ़ी है, इनफ है टू डिस्क्राइब दिस प्लेस। फिर भी बताना होगा तो बताएंगे कि ये उस व्यक्ति का घर है जिस व्यक्ति जो भारत में पहला नोबेल प्राइज जीते थे, या ये कहें कि वो व्यक्ति है जिनका लिखा हुआ 2 देशों में नेशनल एंथम गाया जाता है और तीसरा देश उनके लिखावट से इंस्पायर्ड होकर उसका नेशनल एंथम बना। जी हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रहे हैं हम। जनगण मन तो लिखा ही है उन्होंने, हमारा सोना और बांग्ला, बांग्लादेश की नेशनल एंथम भी उन्होंने ही लिखी थी, और उन्हीं की लिखावट से इंस्पायर्ड होकर श्रीलंका का भी जो नेशनल एंथम है वो भी लिखा गया। तो ये सब बातें महज छोटी सी पार्ट है, मतलब कि रविन्द्रनाथ जी के बारे में बताना 2 सेकेंड 1 सेकेंड मतलब इंसल्ट है उनके लिए। म्यूजियम आइए, देखिए उनकी अचीवमेंट्स है बहुत सारे, और बहुत सारी चीज़ें जो देखने लायक है, जानने लायक है। ये म्यूजियम, ये बंगला, ये मकान और भी बहुत सारा पूरा कई एकड़ में फैला हुआ ये बिल्डिंग है। एक्चुअली रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक जमींदार परिवार से थे, तो जमींदार थे तो कई एकड़ में है इनके पास ज़मीन। बस यही कहना था कि शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर जी से जानने से जाता है, जाने तो उनके पूरा परिवार है, बट रविन्द्रनाथ टैगोर देश भर में उनको मतलब जानकारी रविन्द्रनाथ टैगोर से हुआ है। आप जमींदार तो बहुत हुए, पर रविन्द्रनाथ टैगोर एक ही है। अगर आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानना है, मतलब थ्योरी, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन या फिर उनके कुछ चीज़ों को देखना है, तो आप म्यूजियम आइएगा। बेसिकली शांति निकेतन में आप सिर्फ और सिर्फ मेनली घूम पाएंगे तो एक और बस यही है कि म्यूजियम, जिसको आपको परमिटेड है, बाकी सब ट्रस्ट के अंडर में आता है, यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, तो सब चीज़ तो आप नहीं घूम पाएंगे। अभी इसका पार्क है, ये पार्क एरिया है, और मतलब पूरा कई एकड़ में फैला हुआ है, वो आपको जो बताए थे वो बंदा, उसको हम दिखाएंगे, तो उस कई एकड़ में फैला हुआ है, तो सभी चीज़ तो नहीं दिख सकते ना दिखा सकते हैं, और सभी के बारे में जानकारी भी नहीं है। तो अगर आपको जानना है तो वो टोटो वाला का कर लीजिए, जो बता देगा आपको ये एरिया कौन सा है, ये एरिया क्या है, ये एरिया क्या है। फिलहाल हम म्यूज़ियम घूम के आए। हाँ, म्यूज़ियम आइएगा तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि म्यूज़ियम में आप स्टूडेंट है तो आईडी कार्ड लेके आइएगा, क्योंकि 70 रुपीज़ जहाँ नॉर्मल लोगों का है, 10 रुपीज़ स्टूडेंट के लिए। मेरे पास आईडी कार्ड का सॉफ्ट कॉपी था, तो हम दिखाएं और 10 रुपये में एंट्री लिए हैं। अभी पार्क एरिया में घूम रहे हैं, इस पार्क एरिया को घूम के और आगे की आपको दिखाएंगे।